सो so, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं तो आपने माइट भी इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोल्स में थ्री वायर्स कनेक्टेड होते हैं लाइव वायर न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर तो जो ये लाइव वायर होते हैं लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे होती है हाई पोटेंशियल मतलब जो भी इसमें करंट होता है वो करंट 220 ट्वेंटी वोट पर मेटेन होता है और जो न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर होते हैं इन दोनों में जो करंट होता है वो जीरो वोल्ट पे मेंटेन होता है ठीक है और नेक्स्ट जो भी फ्यूज़ लगे होते हैं ना आगे वो सभी फ्यूज़ किससे कोनेक्टेड होते हैं सभी फ्यूज़ लाइव वायर से कनेक्ट होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि सभी जो करंट है जो सारा करंट है वो लाइव वायर में आएगा तो इसीलिए जो लाइव वायर फ्यूज़ वगैरह है वो सभी लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले लाइव वायर कनेक्टेड होती है कंपनी फ्यूज से तो ये वाला फ्यूज कौन सा होता है कंपनी फ्यूज तो ये कंपनी फ्यूज इलेक्ट्रिक मीटर से लगने से पहले हमारे पास जो लाइव वायर होती है वो कंपनी फ्यूज से कनेक्टेड होती है तो ये कंपनी फ्यूज का मेन काम क्या होता है कंपनी फ्यूज का मेन काम क्या फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिक मीटर लगवाने से पहले कंपनी वाले को बोल दिया कि मैंने फाइव किलो वाट का मीटर लगवाना है ठीक है तो ये फाइव किलो वाट का मीटर लगवाने का मतलब क्या है कि अभी मैं अपने घर पर जो अप्लायंस है वो सिर्फ फाइव किलो वॉट की जो मेरे पास इलेक्ट्रिक मीटर है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकती हूँ इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करती ठीक है अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इससे ज़्यादा यूज़ कर ली तो वो क्या होगा जो मेरे पास यहाँ पे कंपनी फ्यूज़ है वो कंपनी फ्यूज़ की वायर ब्रेक कर जाएगी अगर वो कंपनी फ्यूज़ की वायर ब्रेक करगी तो वो कंपनी वालों को पता चल जाएगा मैंने फाइव किलो वॉट से ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी अपने घर पर यूज़ कर ली तो वो मेरे पास आके क्या मेरे को फाइन कर सकते हैं ठीक है थीके? सो कंपनी फ्यूज के बाद जो मेरे पास ये लाइव वायर है लाइव वायर और एक्चुअली न्यूट्रल वायर भी क्योंकि लाइव वायर है तो न्यूट्रल वायर तो होनी चाहिए क्योंकि बैक फ्लो ऑफ द करंट अगर होगा तभी वो करंट मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी तो जो ये मेरे पास फ्यूज़ है फ्यूज़ सबसे पहले लाइव वायर से कनेक्टेड था अभी जो फ्यूज़ के बाद जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों मेरे पास जो मेरे पास घर के मीटर है इलेक्ट्रिक मीटर उससे कनेक्टेड होगा ठीक है तो इलेक्ट्रिक मीटर के बाद क्या होगा जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है वो मेन स्विच से कनेक्टेड होगी ठीक है तो मेन स्विच का, का काम क्या है मेन स्विच में जो भी हमें अगर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने घर में कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहे तो मेन स्विच को हम ऑन कर देंगे अगर हमें चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं चाहिए घर पर क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का कोई काम चल रहा है उसको चाहिए कि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए कोई भी स्विच में तो हम क्या करेंगे मेन स्विच को ऑफ कर देंगे ठीक है तो मेन स्विच का काम तो यही है कि अगर तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ऑन कर दो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए तो इसको ऑफ़ कर दो सो मेन स्विच के बाद क्या होगा जो लाइव वायर है वो फ्यूज से कनेक्टेड होगी तो फ्यूज का मेन काम क्या होगा अगर हमारे पास आउटसाइड से मेन स्विच से कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मतलब इलेक्ट्रिक मीटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो अगर फॉर एग्जांपल किसी केस में जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो अमाउंट ज़्यादा होने पर क्या होगा जो फ्यूज के एक अंदर एक वायर लगी होती है वायर अपने आप ब्रेक कर जाती है वायर ब्रेक क्यों करती है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे घर में वो हमारे जो इनसाइड में जाकर हाउसेज है उसमें जो अप्लायंस प्रेजेंट है वो अप्लायंस को डैमेज ना कर दे इसलिए फ्यूज़ अपने आप वायर को ब्रेक करके वो हमारे जो अप्लायंस है उसको बचा लेता है ठीक है

लाइव वायर से कनेक्टेड है प्लस ये न्यूट्रल वायर से भी कनेक्टेड है क्योंकि अगर लाइव वायर उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बैक फ्लो करने के लिए हमारे पास न्यूट्रल वायर भी होनी चाहिए तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर से भी सभी जो हमारे पास जो अपलायंस है वो कनेक्टेड होंगे ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास ये जो पूरे अपलायस है वो अर्थ वायर से भी कनेक्टेड होंगे क्यों क्योंकि अर्थ वायर में क्या होगा कि अगर कोई बैड इंसुलेशन की वजह से अगर कोई भी एकोमोडेशन ऑफ चार्ज वगैरह हुआ शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हमें वहाँ पर अर्थ वायर की भी जरूरत होगी तो वहाँ पर अर्थ वायर भी कनेक्टेड होंगे ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक मीटर तो इलेक्ट्रिक मीटर का मेन काम क्या है इलेक्ट्रिक मीटर एक्चुअली मेजर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड अस कि हमारे पूरे हाउस में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है हमने वो कौन मेजर करेगा वो मेजर करेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर तो इलेक्ट्रिक मीटर का सेकंड नेम क्या होता है इलेक्ट्रिक मीटर का सेकंड नेम है किलोवाट वॉट आर मीटर ठीक है तो सेकंड नेम होगा मेरे पास किलोवाट वॉट आर मीटर तो नेक्स्ट क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक मीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी वो पास कर रही है हमें जैसे देखा था यहाँ पे डायग्राम में देखा था कि इलेक्ट्रिक मीटर के बाद वो क्या होगी इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्टेड होगी फ्यूज से सिमिलरली यहाँ पर भी लिखा है कि अगर इलेक्ट्रिक मीटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो पास करने के बाद जाएगी मेन फ्यूज के पास तो मेन फ्यूज का काम क्या होगा कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो अंदर गैजेट्स वगैरह प्रेजेंट है लाइक रेफ्रिजरेटर ए उसको सभी को बचाने के लिए कि ज़्यादा अमाउंट से वो ख़राब ना हो जाए तो वहाँ पर फ्यूज़ प्रेजेंट होता है एंड देन वो जो इलेक्ट्रिक मीटर के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन स्विच में जाती है तो मेन स्विच का काम क्या होगा कि अगर तो हमें इन में जो हमारे घर पर हमें लाइट चाहिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मेन स्विच को हम ऑन कर देंगे अगर नहीं चाहिए तो हमें मेन स्विच को ऑफ कर देंगे ठीक है तो थ्रू द मेन स्विच क्या होगा अभी जो सभी इलेक्ट्रिक करंट है जो सारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे वेरियस रूम्स में एंटर कर जाएगा अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो इलेक्ट्रिक मीटर टू काइंड्स का होता है एक तो होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मीटर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक मीटर तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मीटर से हमारे जो रीडिंग शो होती है वो इनएक्यूरेट होती थी मतलब सही रीडिंग नहीं शो करता था तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक मीटर से यहाँ पर इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से हमें रीडिंग शो हो जाती है कि हमारे घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी या इतनी यूनिट्स हमने यूज़ कर ली है नेक्स्ट टॉपिक आगा हमारे पास स्विच तो स्विच तो आपने घर पे देखी होगी ऐसे हमारे पास स्विच लगी होती है तो स्विच क्या होती है स्विच एक मेनली ऑन और ऑफ डिवाइस होती है दैट इज़ यूज्ड टू ऑपरेट इन अप्लायंस सर्किट कि जो भी हमें यहाँ पे ऑपरेट करना है कि अगर तो हमें ये लाइट की जरूरत है तो हम इसको ऑन कर लेंगे अगर हमें ये फैन की है उसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम स्विच को ऑफ कर देंगे ठीक है तो एक्चुअली स्विच में क्या होता है स्विच में टू ब्रास पिन लगे होते हैं इसमें स्विच में टू ब्रास पिनस लगे होते हैं विच फिट ईच अदर द ब्रास टर्मिनल्स एक टर्मिनल्स लगे होते हैं ब्रास के टर्मिनल्स लगे होते हैं उसमें ब्रास की पिनस होती हैं ठीक है तो जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या होता है कि जो भी पिन प्रेजेंट है इन द स्विच वो पिन क्या करती है आपस में कॉन्टेक्ट बना लेती है तो जब भी कनेक्शन बन जाएगा बिटवीन द टू ब्रास पिन तो वहाँ पे जो भी हमारे पास अप्लायंस होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी ठीक है जो आउटर केसिंग होती है स्विच की वो आउटर केसिंग होती है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से वो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल हमने क्यों यूज़ किया क्योंकि जो स्विच है स्विच में एक्चुअली स्विच कनेक्टेड होती है लाइव वायर से क्योंकि जो सभी करंट है जो सारा करंट है वो स्विच में कैसे आएगा लाइव वायर से आएगा तो लाइव वायर के जो हमारे पास है वो लाइव वायर क्योंकि उसमें करंट है तो अगर तो मैंने यहाँ पे ऊपर कंडक्टिंग मटीरियल लगा दिया तो जो भी करंट है वो कंडक्टिंग मटीरियल में भी आ सकता है ना तो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इसीलिए हमने क्या किया जो आउटर कवरिंग होती है स्विच की वो हमने इंसुलेशन की लगाई मतलब एज एजे प्लास्टिक कुछ ऐसी लगाई जो कि जो पूरा लाइव वायर का करंट है वो ऐसे ना हो कि बाहर आ जाए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए इसीलिए जो पूरी आउटर कवरिंग है वो प्लास्टिक की लगाई है ठीक है और जो स्विच है वो हमेशा लाइव वायर से ही कनेक्टेड होगा क्योंकि पूरी लाइव वायर में ही करंट मूव करेगा तो लाइव वायर जो स्विच से कनेक्टेड है तो जो कि हमें जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चाहिए करंट फ्लो करने के लिए वो उसे हम इजीली स्विच से ऑन और ऑफ कर सकें ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्लग्स एंड सॉकेट तो प्लग आपने देखा होगा ऐसे हमारे पास प्लग होता है और उसमें एक सॉकेट हमने लगाना होता है तो कॉमनली जो हम प्लग यूज़ करते हैं वो थ्री पिनस का होता है ऐसे जो हम प्लग यूज़ करते हैं वो थ्री पिन का होता है जो लोअर टू पिन होती है जो ये पिनस होती है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पिन जो ये वाली पिन होती है टर्मिनल पिन होती है एंड जो थर्ड वन होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ पिन ये हमारे पास टर्मिनल पिन है और जो लास्ट वन जो सिंगल वन होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ पिन देखो टर्मिनल पिन और अर्थ पिन का काम क्या है कि जब भी हम प्लग में ये सॉकेट लगाते हैं प्लग में सॉकेट लगाएंगे जो दो हमारे पास ये पोल्स गिवन है या पिंस गिवन है ये पिंस कौन से है? टर्मिनल पिंस एक इसमें होगा लाइव वायर का और एक इसमें होगा न्यूट्रल वायर का तो जो भी करंट आना लाइव वायर में से वो एक टर्मिनल में आएगा और उसको बैक फ्लो करवाने के लिए सेकंड टर्मिनल यूज होगा और थर्ड टर्मिनल किसके लिए यूज होगा अर्थ पिन के लिए भी जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कोई अमाउंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ चार्ज होगा ड्यू टू इंसुलेशन बैड इंसुलेशन तो वो अर्थ वायर करेगा उसको प्रिवेंट कर देगा तो नेक्स्ट हम जब ये प्लग को सॉकेट में डालेंगे तो इस सॉकेट में एक्चुअली क्या होता है सॉकेट में ये हमारे पास टू स्मॉल होल्स होते हैं ठीक है और इसमें क्या होगा जो भी करंट मूव करना है दो स्मॉल होल्स में जाएंगे एक में लाइव वायर का करंट जाएगा और एक में रिटर्न पाथ का न्यूट्रल वायर का होगा और थर्ड वन जो बिगर वाला उसमें क्या होगा अर्थ कनेक्टर होगा सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग फ्यूज तो फ्यूज क्या होता है ध्यान से देखो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो लिमिट करता है करंट की इन द इलेक्ट्रिक सर्किट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड से कोई भी हमारे अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी आनी है तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल बाई चांस को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो जो भी हमारे पास अप्लायंस है वो अप्लायंस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाएंगे ठीक है वो अपलायंस पास जाने से पहले क्या होगा वो एक फ्यूज के पास जाएगा तो फ्यूज का मेन काम क्या होगा फ्यूज के अंदर एक वायर लगी होती है वो वायर कौन सी होती है बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है एक्चुअली वायर एक अलॉय होता है कौन सा अलॉय लेड और टिन का अलॉय ठीक है ये अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका मेन काम क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल बाय चांस ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मूव करगी और वो फ्यूज तक आई पहले क्योंकि कोई भी अपलाइंसेज आने से पहले वो क्या होगी फ्यूज के पास आएगी तो जो भी हमारे पास ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होगी ना जब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेगी तो वो हीटप होना शुरू हो जाएगी तो हीटप जब होगी क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या है हीटअप हो होके हो होके हो, हो, पूरा ब्रेक कर जाएगी अगर ये फ्यूज़ वायर ब्रेक करेगी तो ये क्या करेगी कट ऑफ कर देगी इलेक्ट्रिसिटी को वो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या है हमारे घर के इनसाइड आने से रोक देगी मतलब ब्रेक कर देगी ठीक है इसीलिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं ताकि कि फ्यूज हमारे जो भी अपलाइंस वगैरह यूज है घर में वो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण खराब ना हो जाए इसीलिए हम वहां पर फ्यूज़ यूज़ करते हैं ठीक है थीके? बट फ्यूज के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हम यहाँ पे बायोटालिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं ना वो बायोटालिक स्ट्रिप क्योंकि अगर खराब हो जाए अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होगी ब्रेक हो जाएगी तो अगर बायोमेटेलिक स्ट्रिप ब्रेक होगी तो हमें क्या करना है इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा कि प्लीज़ आगे इसको सही कर दो फिर वो सही करेगा फिर फिर वो लगाएगा फिर फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी ठीक है बट इतना काम जहाँ तो हमसे उतना नहीं है तो हमने क्या किया इसको रिप्लेस करके आजकल क्या यूज़ कर लिया मिनीचर सर्किट ब्रेकर दैट इज एम तो एम एक्चुअली एक क्या होता है हमारे पास सेफ्टी डिवाइस ही होता है बट इसमें क्या होगा कि अगर ज्यादा

क्ट्रिशीन को बुलाना पड़ेगा कि वो आके सही करेगा हम खुद ही इसको क्या करेंगे जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर सही आ जाएगी इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये हम अपना काम क्या है फिर करना स्टार्ट कर देगा तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द फ्यूज एंड द मीचर सर्किट ब्रेकर दैट इज एम तो ये एक ऑटोमेटिक काम है ऑटोमेटिक काम की अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आया स्विचेज ऑटोमेटिकली डाउन हो गई जब अमाउंट ऑफ करंट फिर भी फ्लो हो गया अभी ठीक है नॉर्मल अभी आ गया तो हम इसको क्या करेंगे अपने आप ऊपर कर देंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हैविंग अर्थिंग ग्राउंडिंग ऑफ अपलाइंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है फिर देख लो एक बार कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइव वायर जा रही है और ये लाइव वायर मेरे पास आई क्योंकि मेटालिक बॉडी पे मेटालिक बॉडी फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एनी इलेक्ट्रिक गीजर वी आर हैविंग एवन ठीक है अगर लाइव वायर क्या है मेटालिक बॉडी में जा रही है उसमें करंट देना है मेटालिक बॉडी में तो उसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस अगर बैड इंसुलेशन होगा क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पुरानी वायर है ज़्यादा पुरानी वायरस वायर वायर क्या होगा जो ऊपर ऊपरली इसकी इंसुलेशन होती है ना उसका जो कोटिंग होती है वो कोटिंग ख़राब हो जाती है है तो कोटिंग खराब होने से क्या होगा कि जो करंट है वो लीक करना स्टार्ट कर जाएगा तो करंट लीक कर करके क्या होगा बॉडी की पे आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बाई मिस्टेक वो बॉडी को टच कर लिया ऊपर से तो वो क्या क्योंकि उस पे तो अकोमोडेशन ऑफ चार्ज हुई हुई है जो भी लाइव वायर से करंट आना था वो मेटेलिक बॉडी पर आ गया ठीक है अगर मैं उसको टच कर लूंगा तो को भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा इसीलिए क्या होगा कि अगर हम मेटेलिक कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे अर्थिंग और ग्राउंडिंग कर देंगे तो जो भी यहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ चार्ज हुआ होगा फ्रॉम द लाइव वायर वो सभी चार्ज होगा मूव कर जाएगा अर्थ या ग्राउंड में तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं तो इसलिए मेन काम अर्थिंग का ये होता है कि हमने इसको पूरी मेटालिक बॉडी को इसको कनेक्ट करना है अर्थ वायर से ताकि इसको जो कंडक्टिंग पाथ है जो इसको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट कोई अकम्बुलट हुआ हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अकम्बुलट हुआ इसको कंडक्टिंग पाथ मिल जाए और वीचे वो नीचे क्या करे ग्राउंड में मूव कर जाए ठीक है और एक एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यूजर को कोई भी शॉक ना लगे नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हजार्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे फायदे हैं कि हम क्या कर सकते हैं लाइट ऑन कर सकते हैं फैन ऑन कर सकते हैं हमारा गीजर चलता है हमारा जो भी एसी वगैरह वो इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है बट अगर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से यूज नहीं किया तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं ठीक है लाइक फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ अ पर्सन विद अ लाइव वायर अगर हम बाय मिस्टेक लाइव वायर को डायरेक्टली ऐसे टच कर देंगे ऐसी लाइव वायर को डायरेक्टली टच कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिक शॉक ऐसे नहीं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा वहाँ पे वहाँ पर वो डेडली शॉक भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफेक्ट्स इन द इलेक्ट्रिक शॉक लाइक लूज जॉइंट्स इन प्रॉपर इंसुलेशन वायर्स डिफेक्टिव स्विच ये भी हमें कह सकता है स्पार्किंग या क्या कर सकता है पूरे घर में फायर लग सकती है अगर मेरे पास कोई भी वायर्स है वो वायर्स की अच्छे से इंसुलेशन नहीं हुई है पुरानी वायर्स हैं ठीक है थीके? या उसके जो स्विच या सॉकेट है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उसमें क्या होगा स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी स्पार्किंग से क्या होगा फायर भी लग सकती है पूरे हाउस में ठीक है थर्ड वी आर हैविंग ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है वो ध्यान से देखो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगा दिए एक मेरे पास सॉकेट है सॉकेट में मैंने बहुत सारे प्लग लगा दिए ठीक है नंबर ऑफ़ प्लग लगा दिए उसको मैं बोलती हूँ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बाय मिस्टेक टच कर जाएँ आपस में तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से भी क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक फायर लग जाती है हाउस में ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्यों है शॉर्ट सर्किट की शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये शॉर्ट सर्किट तब होगा कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी कारण की वजह से फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे इंसुलेशन खराब हो गया तो इंसुलेशन खराब होने की वजह से क्या होगा न्यूट्रल वायर और लाइव वायर वो डायरेक्टली टच करना स्टार्ट करके ना जब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच करेंगी आपस में तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांस पूरे ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है तो क्या होगा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर भी लग सकती है इन द हाउस नेक्स्ट वी हैविंग ओवरलोडिंग तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लग्स को एक ही सॉकेट में लगा दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ओवरलोडिंग हो जाएगी तो यहाँ पे स्पार्क आनी स्टार्ट हो जाएगी तो स्पार्क आएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर भी हो सकती है तो इन सभी हज़ार से बचने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल रूल्स होते हैं अगर वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सिंपली क्या इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाउस में इजीली यूज़ कर सकते हैं ठीक है हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं क्या कुछ हमें यूज़ करना है डोंट पुट योर फिंगर और मेटालिक ऑब्जेक्ट इन अ सॉकेट कभी भी सॉकेट में अपनी फिंगर या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को नहीं डालना इससे हमें शॉक लग सकता है ठीक है नेवर टच द इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग और डिवाइस विद अ वेट हैंड अगर आपके हाथ गीले हैं तो गीले हाथ से आपने कोई भी स्विच को कोई भी प्लग को ऐसे टच नहीं करना वहाँ पर भी आपको शॉक लग सकता है ठीक है थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस प्लग सॉकेट्स एसेट्रा आपने कभी भी ऐसे कुछ छोटे बच्चों को नहीं देना कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक वायर से खेलो स्विचेस से खेलो ऐसे नहीं करना अगर वो हमें कोई भी प्ले करेंगे हम इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस हमें वहाँ पे करंट लग सकता है ठीक है और हमें शॉक लग सकता है फोर्थ पॉइंट वी आर हैविंग ऑलवेज वियर रबर स्लीपर्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिक अपलायंस अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक अपलायंस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या है रबर स्लीपर्स को पहना है क्योंकि रबर को क्यों होता है रबर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी आ भी गई तो उसमें क्या होगा वो हमारे पास अगर अर्थ में गई तो उसको तो फिर फ्लो मिल जाएगा फ्लो मिलने से हमें ज़्यादा शौक लग सकता है अगर हमें रबर के स्लीपर पहने होंगे तो वहाँ पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी और हमें कम शौक लगेगा ठीक है नेक्स्ट वी हैविंग कवर ऑल द इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स विद इंसुलेटिंग टेप अगर कोई भी जॉइंट है वो जॉइंट सही नहीं है तो उसको क्या हमें करना है इंसुलेटिंग टेप से कवर करना है कोई भी जो जॉइंट है वो लूज नहीं होना चाहिए ठीक है एक वायर प्रॉपरली अच्छे से इंसुलेटिंग होनी चाहिए और जो भी हम सॉकेट्स वगैरह घर पर यूज़ कर रहे हैं उस पर प्रॉपर अर्निंग होनी चाहिए ताकि हमें कोई भी शॉक ना लगे हमें घरों में क्या करना चाहिए फ्यूज़ और एम सी भी यूज़ करना चाहिए जिनकी प्रॉपर करंट रेटिंग हो ठीक है इससे क्या होगा कि हमारे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आएगा उसे हम अपने अप्लायंस को बचा सकेंगे अगर कभी भी घर में शॉर्ट सर्किट या स्पार्क हो स्विचेज में तो हमें क्या करना ही चाहिए उसको वुडन स्टिक या प्लास्टिक स्विच से ऑफ़ करना चाहिए हमें अपना हैंड नहीं यूज़ करना चाहिए उसको ऑफ करने के लिए नेक्स्ट में हैविंग डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन अगर कोई भी रेनी सीजन है कोई भी रेन वगैरह या वेट आई है पोल तो उसको पोल को हमें टच नहीं करना चाहिए अगर हमने टच कर लिया तो वहाँ पर लीकेज ऑफ करंट हो सकती है क्योंकि वाटर से क्या होगा वाटर से लीकेज ऑफ करंट यहाँ पे हो सकती है तो लीकेज ऑफ करंट से क्या होगा कि हमें कोई भी शॉक लग सकता है हमें यहाँ पे शॉक लग सकता है ठीक है सो टेंथ पॉइंट वी आर हैविंग इन केस ऑफ अ फायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट अगर इन केस कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी फायर आ जाती है फायर लग जाती है तो उसे हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें क्या करना है जो बाहर जाके मेन स्विच है उसको ऑफ करना है मेन स्विच को ऑफ करने के बाद हमें वो उस फायर पे वाटर नहीं डालना उस फायर पे हमें ड्राई सैंड डालनी है क्योंकि ड्राई सैंड क्या करेगी उस जो इलेक्ट्रिक फायर उसको फटाफट क्या उसको मतलब ऑफ़ कर देगी उसको बुझा देगी इसलिए हमें वाटर नहीं वाटर तो उसको और फैला देगी आप फायर को ठीक है तो हमें वहाँ पर ड्राई सैंड को यूज़ करना है हमें कोई भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स है उसे अपने गैस वर्क से नहीं कुछ भी काम करना हमें इलेक्ट्रिशियंस को कॉल करने इलेक्ट्रिशियन ही आके उसको क्या रिपेयर करेंगे कुछ भी रिपेयर हमें अपने गैस वर्क से नहीं करना हो। और जो भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस का प्रोडक्ट यूज़ करना है कोई भी हमें फ़ैन करना है कुछ भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करना है उस पर हमेशा ये आईएसआई मार्क होना चाहिए ये वाला मार्क कौन सा होता है आईएसआई मार्क ये मतलब प्रूव होता है कि जो भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पहले टेस्ट किया हुआ है कि वो अप्लायंस से कोई भी हमारे पास लीकेज या कुछ भी करंट होगा उसका हमें शॉक नहीं लगेगा ठीक है इस आई एस आई का मतलब क्या होगा कि जो अप्लायंस है वो ऑलरेडी टेस्टेड है और हमें वहाँ पे उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो अब तक जो भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि कंडक्टर में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट को हम बोलते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं डायनमिक इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डायनमिक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी ठीक है जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है बट यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट जब कोई चीज रेस्ट पे हो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होगा चार्जेस एट रेस्ट पर जब चार्जेस रेस्ट पे हो मतलब क्या होता है कि एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा इसमें भी ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव तो करेंगे ठीक है बट यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि अगर हम कोई भी टू बॉडीज को रब करेंगे तो रब करने पर क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वन प्लेस से लेकर सेकेंड प्लेस तक जस्ट मूव करेंगे वन बॉडी से सेकेंड बॉडी तक जस्ट पार्टिकल्स के और इलेक्ट्रॉन्स के सिर्फ मूव करेंगे ऐसे नहीं कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे कि यहां से लेकर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बस इलेक्ट्रॉन्स तो, तो, तो ये तो एग्जाम्पल आपने कॉमनली देखी होगी जब आप कॉम को क्या करोगे वो जो आपने रब किया कॉम वो कॉम को आप लेके जाओगे पीसज ऑफ पेपर के पास तो पीसिस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स अम क्यों क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज सो चार्ज और अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है चार्ज मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई भी मटेरियल आप अपने आसपास देख लो वो मटेरियल में क्या होगा कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होंगे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा अब ये डिफरेंस क्या है चार्ज और अनचार्ज बॉडी में ध्यान से देखो अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे बॉडी है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वन पॉजिटिव चार्ज है और वन ही नेगेटिव चार्ज है ठीक है वैसे तो उसमें चार्ज तो प्रेजेंट है बॉडी में बट कितने एक ही पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है तो सेम अगर नंबर ऑफ चार्ज हो तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो अनचार्ज बॉडी है अनचार्ज क्यों अगर सेम नंबर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव या ऐसे होता तो था कि टू पॉजिटिव और टू ही नेगेटिव हो टू पॉजिटिव चार्ज हो टू पॉजिटिव चार्ज हो टू ही नेगेटिव चार्ज हो तो उस बॉडी को भी हम क्या बोलेंगे वो अनचार्ज बॉडी उसमें कोई चार्ज नहीं है ठीक है अगर सिमिलरली हमारे पास कोई एक्जाम्पल होगी मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव जो तो आपस में बैलेंस कर जाएं कि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बैलेंस कर दिया बट एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ना अगर कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा हो किसी भी बॉडी में वो बॉडी को हम बोलेंगे कि वो चार्ज बॉडी है अब ये पूरी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ठीक है सिमिलरली वी आर हैविंग एग्जाम्पल फॉर द थर्ड सब्सटांस अगर थर्ड सब्सटांस में मेरे पास क्या है टू नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को क्या किया बैलेंस कर दिया तो ये, ये दो ये दोनों ठीक है अभी जो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा की वजह से यह बॉडी को मैं क्या बोलूँगी ये बॉडी चार्ज बॉडी है और कौन सी चार्ज बॉडी है पॉजिटिव की नेगेटिव negative? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ठीक है तो डिफरेंस यही होता है चार्ज और अनचार्ज बॉडी में अगर कोई भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा बॉडी में उसे हम चार्ज बॉडी बोलेंगे अगर कोई भी

जब आप क्या करोगे सिल्क क्लॉथ को रब करोगे यहाँ पे ग्लास रॉड से तो वहाँ पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला काम ही आएगा स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा कैसे प्रोड्यूस होगा ध्यान से देखो अगर फॉर एग्जाम्पल इस जो मेरे पास ग्लास रॉड है इसमें सेम नंबर ऑफ़ पॉजिटिव ठीक है सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है फोर ही पॉजिटिव चार्ज है फोर ही नेगेटिव चार्ज है देन यू विल व्हाट से कि ये ग्लास रॉड कौन सी थी चार्ज और अनचार्ज तो ये अनचार्ज है फिलहाल ये अनचार्ज है मतलब रब करने से पहले ये अनचार्ज ग्लास रॉड है और सिमिलरली जो यहाँ पे मेरे पास यहाँ सिल्क क्लॉथ है यहाँ पे भी फॉर एक्जाम्पल फोर पॉजिटिव चार्ज है और फोर ही नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो ये भी कौन सा हो गया अनचार्ज बॉडी होगी जब आप क्या करोगे इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से आप रब करोगे तो रब करने के बाद क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि आप जब रब करोगे तो रब कर पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ने ही मूव करना होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे यहाँ पर क्लॉथ पे जब ये ग्लास रॉड पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लॉथ पे मूव कर जाएगा तो यहाँ पे देखो वैसे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा क्लॉथ पे आ जाएगा तो वट यू विल से सी केयरफुल अगर आप इसको ध्यान से रब करोगे ऐसे रब करने के बाद क्या होगा आपने अच्छे से इसको रब किया वन और टू टाइम ऐसे रब किया तो रब करने के बाद क्या होगा कि जो ग्लास रॉड यहाँ पे प्रेजेंट है जो ये ग्लास ड है ये ग्लास रॉड पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज रहेगी और इधर कौन से आगे इधर सारे इसके जो नेगेटिव चार्ज थे सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आगे ये सिल्क क्लॉथ पे आगे इट मीन्स कि जो सिल्क क्लॉथ है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वट आई शुड से अगर मैंने क्या किया कि मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ग्लास रॉड पर और मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो रब करने पर क्या होगा कि यहाँ पे स्टटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला काम आएगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे फ्लो करेंगे सिल्क क्लॉथ में तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब यहाँ पर देखो ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे सभी चार्ज बैलेंस है अगर मैंने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फ्लो कर दिया यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गई नेगेटिव चार्ज आ गई अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करके तो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना तो अभी ये ग्लास रॉड कौन सी होगी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ कौन सा होगा नेगेटिवली चार्ज क्लियर सो हेयर यू विल सी सिल्क क्लॉथ विल गेट नेगेटिवली चार्ज एंड ग्लास रॉड विल हेयर विल भी पॉजिटिवली चार्ज सोनाव यू आर हैविंग वेरी सिमिलर टॉपिक दट चार्ज इक्वायर बाय अबिनट रॉड वेन रब्ड विद वूल क्लॉथ यहाँ पे मेरे पास क्या पहले मैंने क्या क्या था यहाँ पे ग्लास रॉड ली थी अब मैं यहाँ पे क्या? कौन से ले रही हूँ एबिनट रॉड ले रही हूँ और यहां पर मैं कौन से ले रही हूँ यहाँ पैं वूल का एक क्लॉथ ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एब, एबिनॉइड है एबिनॉड पे भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ ना कुछ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा कुछ ना कुछ, ना कुछ क्योंकि एबिनॉड रॉड क्या है मेरे पास अनचार्ज बॉडी है और सिमिलरली जो वूल है वूल भी यहाँ पे अनचार्ज बॉडी है सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे ठीक है जब मैं क्या करूँगी इस वूल को रब करूँगी ऐसे इस एबिनॉइड रॉड पर तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वूल है ना वूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से हमने एक्चुअली ये देखना होता है जैसे ग्लास रॉड में देखा था ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे सिल्क क्लॉथ में क्यों क्योंकि ग्लास रॉड के

नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा कहाँ पे आ रहे हैं एबिनॉट रॉड पे और पॉजिटिव चार्ज कहां पे रहेगी पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे वोल के पास तो आप क्या बोलोगे कि जो वूल है वोल के पास कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए वोल के पास वूल क्लॉथ के पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जो एबिनोल रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन माइट भी आपने सेवन्थ क्लास में वो किया होगा मैग्नेटिक पोल्स वाला कि मैग्नेट के पास टू पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ठीक है अगर मैं कोई भी दो ऑपोजिट पोल्स को साथ में लेके आती हूँ तो टू ऑपोजिट पोल्स क्या होंगे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर अगर मैं सेम वाले पोल्स को साथ लेके आती हूँ तो लाइक पोल्स क्या करेंगे रिपेल ईच अदर ठीक है सिमिलरली ये वाला केस होता है मेरे पास यहाँ पे चार्जेस के, के केस में भी अगर मैं कोई भी दो चार्जेस को सेम चार्जेस को इकट्ठा लेके आऊँगी तो सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस विल रिपेल चदर अगर मैं यहाँ पे भी सेम चार्जेस लेके आ रहा हूँ रिपेली और अनलाइक चार्जेस विल बी अट्रैक्टिंग इच अदर सो ना वट व्यू आर हैविंग द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज नोन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अभी जो ये फोर्स है कि अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्शन फोर्स है इसी फोर्स को मैं बोलती हूँ जब टू चार्जेस के बीच में फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की क्या है कि जब लाइक like चार्जेस होंगे जब लाइक like चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और जब अनलाइक चार्जेस होंगे वो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें क्या होता है एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नेम है उसने ये बताया था कि टू टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब आप ग्लास रॉड को जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे तो जो भी चार्ज ये ग्लास रॉड पर आएगा वो चार्ज कौन सा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और जब आप एबिनॉइट रॉड को वूल के साथ मतलब रब करोगे तो जो चार्ज यहाँ पे एबीनॉइड रॉड के पास आएगा वो चार्ज कौन सा होगा नेगेटिवली चार्ज होगा ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर हैविंग अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट आइदर अनचार्ज बॉडी और ऑपोजिटली चार्ज बॉडी फॉर एग्जांपल हेयर आई एम हैविंग वन चार्ज बॉडी चार्ज बॉडी मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और टू पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल तो ये चार्ज बॉडी कौन सी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ठीक है अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी ये किस कि, किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी आप अपने पास अगर तो एक बॉडी मेरे पास यहाँ पे अनचार्ज है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अनचार्ज बॉडी है ना तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगी चार्ज बॉडी एक तो अनचार्ज बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट

नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट वी आर हैविंग अ चार्ज बॉडी विल ऑलवेज रिपेल अभी हमने पढ़ा कि जो चार्ज बॉडी है आइर वो अनचार्ज बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट करेगी और सेम ऑपोजिट चार्ज की बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट करेगी ठीक है नेक्स्ट वी विल सी दैट जो चार्ज बॉडी है वो किसको रिपेल करेगी जो चार्ज बॉडी किसको रिपेल करेगी सिर्फ वो रिपेल करेगी जिसका सेम सेम चार्ज होगा अगर उसके पास कोई बॉडी आई जिसका सेम चार्ज है वो वही बॉडी को क्या करेगी रिपेल करेगी सो नेक्स्ट टॉपिक आई एम हैविंग रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इसका मतलब क्या ध्यान से देखो अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे बॉडी है और बॉडी को मैंने चेक करना है कि वो चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी है उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी रिपल्शन का एक टेस्ट लूंगी रिपल्शन का टेस्ट क्या तो ध्यान से देखो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है ये मेरे को चेक करना कि चार्ज है कि अनचार्ज बॉडी है तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे एक चार्ज बॉडी लेके जाऊँगी इसके पास एक मैंने चार्ज बॉडी ली और एक मैंने ऐसी बॉडी ली जिसको मैंने चेक करना है कि वो चार्ज है कि अनचार्ज है ठीक है जो मैंने ये चार्ज बॉडी ली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है ठीक है ये बॉडी कौन सी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो अगर तो ये बॉडी क्या होगी अगर ये बॉडी अनचार्ज होगी तो ये बॉडी अनचार्ज होगी तो ये क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी इसको क्योंकि हमेशा कोई भी चार्ज बॉडी होती है वो चार्ज बॉडी या तो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या वो ऑपोजिट चार्ज वाली बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट करेगी इतना समझ आ गया कि चार्ज बॉडी क्या करेगी वो टू केसेस में अट्रैक्ट करेगी एक तो अगर बॉडी अनचार्ज है दूसरी बॉडी अनचार्ज है तब वो अट्रैक्ट करेगी या सेकंड केस क्या होगा अगर इस पर इन चार्ज है नेगेटिव चार्ज तभी ये क्या करेगी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी ठीक है बट अभी ये तो अनचार्ज होगी तभी अट्रैक्ट हो जाएगी चार्ज होगी तभी अट्रैक्ट हो जाएगी मुझे पता नहीं चला कि चार्ज है कि अनचार्ज है ठीक है समझ ही नहीं आया तो नेक्स्ट आप क्या करोगे नेक्स्ट आप ऐसी बॉडी लोगे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नेगेटिव बॉडी ले ली फॉर एग्जाम्पल और मैंने ये बॉडी को चेक करना है कि चार्ज है कि अनचार्ज है अगर इन केस अट्रैक्शन की जगह यहाँ रिपल्शन होनी स्टार्ट होगी तो रिपल्शन कौन से केस में होगी रिपल्शन होगी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि सेम चार्जेज रिपेल ही ज्यादा ना अगर सेम चार्जेज होंगे दोनों बॉडी पे तभी वो रिपेल करेगा रिपल्शन कब होगी रिपल्शन होगी अगर सेम चार्जेस को मैं साथ लेके जाऊंगी वहां पे रिपेल होगा तो अभी मेरे को श्योर होगा कि जो बॉडी मेरे को चेक करनी है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज कि अनचार्ज है वो बॉडी क्या होगी श्योरली वो चार्ज की होगी जो मैंने अभी यहाँ पे चार्ज बॉडी लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने चार्ज बॉडी लिया नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी और मैं नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को लेके गई हूँ इस बॉडी के पास अगर तो ये बॉडी रिपेल होगी आपस में तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा और मैंने ये चेक कर लिया कि हाँ ये बॉडी कौन सी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है विच प्रूव दैट रिपल्शन इज द शॉर्स्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन नॉट अट्रैक्शन इज द शॉरेस्ट टेस्ट ओके सो हेयर वी आर हैविंग द एग्जाम्पल टू शो दट रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ठीक है अब मेरे को चेक करना है कि जो मेरे पास बॉल है ये बॉल क्या है चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी है ठीक है तो मैं कैसे चेक करूंगी ध्यान से देखो अगर मैंने कोई भी यहाँ पे बॉडी ली है चार्ज बॉडी है तो मैं चार्ज बॉडी को लेके गई ये बॉल के पास ठीक है अगर तो ये चार्ज बॉडी बॉल बौड़ के पास गई और बॉल ने क्या, -क्या? किया अट्रैक्ट तो किया टुवर्ड दिस चार्ज बॉडी तो अट्रैक्ट करने के टू केसेस हो सकते हैं या तो क्या होगा इस बॉल पे क्या होगा अनचार्ज होगा अनचार्ज मतलब इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट कर रही है टू तो बॉडर चार्ज क्योंकि यहाँ पे क्या चार्ज बॉडी टू केसेस में अट्रैक्ट करती है या तो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी तो यह क्या होगा कि अगर बॉल पे ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बट मेरे को भी समझ ही नहीं आया कि जो मैंने बॉल यूज़ किया ये बॉल अनचार्ज थी कि अभी ये चार्ज बॉडी समझ नहीं आया ना तो नेक्स्ट आप क्या करो नेक्स्ट आप सेकंड केस लो तो अकॉर्डिंग टू तो सेकंड केस क्या होगा कि मैंने यहाँ पे चार्ज बॉडी ली और चार्ज बॉडी को लेके गई टुवर्ड दिस बॉल जब मैंने चार्ज बॉडी को लेके गई टुवार्ड दिस बॉल अगर यहाँ पे लेट कर लो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉल क्या की अभी इस केस में बॉल रिपेल करना स्टार्ट करगी बॉल रिपेल किस केस में करती है बॉल तभी रिपेल करेगी अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बॉल पर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे तभी वो क्या करेगी रिपेल करेगी तो विच प्रूव दैट कि बॉल पे कोई ना कोई पक्का क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमने शो कर दिया कि ये बॉल क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी तो रिपल्शन से मेरे को समझ आया कि बॉल पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वैसे तो मेरे को वहां पर अट्रैक्शन पर कुछ समझ नहीं आता कि वो चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी है सो इट प्रूव दैट रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रीफिकेशन सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना तो उसको हम बना सकते हैं खुद और ना ही उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इट मीन्स कि अगर आप क्या करो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ग्लास रॉड दिया और ग्लास रॉड को मैंने रब किया यहाँ पे सिल्क क्लॉथ से तो क्या होगा कि जो भी यहाँ पे चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव तीन चार्ज थे और नेगेटिव भी तीन चार्ज मतलब जो ग्लास रॉड वो अनचार्ज थी ठीक है तो जब मैं क्या करूँगी सिल्क क्लॉथ को रब करूँगी ग्लास रॉड से तो ग्लास रॉड पर रब करने के बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ग्लास पे जो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें सिल्क क्लॉथ में which proves कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे एक सबस्टान्स से जस्ट मूव कर रहे हैं ऐसे नहीं कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया वहां पे आगे बैठ गया या यहाँ से कोई प्रोटोन आया वहां पे आगे बैठ गया ऐसा कुछ नहीं होता जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ट्रांसफर हो गया कोई भी चार्ज है वो सिर्फ ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन मटीरियल टू अदर मटीरियल तो ये टोटल चार्ज क्या होगा रिमेन कंजर्व रहेगा इन होल दिस प्रोसेस बट देखो ध्यान से यहाँ पे हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, वो ट्रांसफर होकर ग्लास रॉड से ट्रांसफर क्या गए सिल्क क्लॉथ पे गए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर नेगेटिव चार्ज थे और फोर ही पॉजिटिव चार्ज थे ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने सिल्क क्लॉथ को रब किया ग्लास रॉड से तो यहाँ पे क्या होगा सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे ऑल जो चार्ज था रिमेन कंजर्व्ड रहा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे फोर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे सिल्क सिल्कल्थ पे फाइव नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्जेस है वही क्या होंगे नेगेटिव नंबर ऑफ चार्जेस भी होंगे तो टोटल तो चार्ज विल रिमेन कंजर्व ओके सो तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेरे को गिवन है कि अगर मैं ग्लास रॉड रूंगी और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करूंगी तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ग्लास रॉड पे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ट्रांसफर कर जाएंगे सिल्क क्लॉथ पे तो अभी क्या होगा सिल्क क्लॉथ के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो ये नेगेटिवली चार्ज सिल्क क्लॉथ बन जाएगा और जो यहाँ पे ग्लास रॉड है ग्लास रॉड के पास डेफिशिएंसी आ जाएगी नेगेटिव चार्ज की बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगी तो ग्लास रॉड कौन सा होगा पॉजिटिव चार्ज का तो यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ चार्जेज है अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्जेज फॉर एग्जाम्पल फोर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फोर नेगेटिव चार्ज है तो इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ चार्जेज है यहाँ पे ठीक है सो नेक्स्ट मेथड आई एम हैविंग मेथड ऑफ चार्जिंग का कंडक्टर अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है और मैं कंडक्टर को चाहती हूँ कि वो कोई, कोई चार्ज एक्वायर कर ले इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज तो कोई भी कंडक्टर को चार्ज करने के टू वेज होते हैं तो फर्स्ट वे वी आर हैविंग चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड सेकंड वे वी आर हैविंग चार्जिंग बाई इंडक्शन सो वी विल डिस्कस वन बाय वन दैट वाट इज चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड वॉट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट मेथड वी आर हैविंग चार्जिंग बाय कंडक्शन तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या लो ध्यान से देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई अनचार्ज बॉडी है और मैं चाहती हूँ वो अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी बन जाए तो अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ चार्जेस होंगे अगर यहाँ पे थ्री पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे थ्री नेगेटिव चार्जेस भी होंगे ठीक है अब मैं क्या करूँगी मैं चाहती हूँ कि अनचार्ज बॉडी चार्ज बन जाए कैसे बनेगी ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी एक चार्ज बॉडी लूँगी और चार्ज बॉडी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाऊंगी विद दिस अनचार्ज बॉडी तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाने पर क्या होगा कि जो ये नेगेटिव चार्ज होंगे ना ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के पास तो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर गए पॉजिटिव चार्ज के पास और सभी इस फियर में सभी इस बॉडी में क्या रह जाएंगे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे विच प्रूव दैट और विच शोज दैट कि हमने क्या किया अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया बाय द मैथड ऑफ कंडक्शन मेथड ऑफ कंडक्शन में आपको क्या करना है एक अनचार्ज बॉडी लेनी है और एक चार्ज बॉडी लेनी है इन दोनों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाना है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाने के बाद जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे चार्ज बॉडी के पास चले जाएंगे जो चार्ज बच जाएंगे वो क्या करेंगे अनचार्ज बॉडी को चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे सिमिलरली वर हैविंग द एजाम्पल फॉर द नेगेगेटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉडी लेके जा रहा हूँ अनचार्ज बॉडी के पास तो अनचार्ज बॉडी के पास होगा इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ चार्ज फॉर एग्जाम्पल थ्री पॉजिटिव चार्ज एंड थ्री नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाऊंगी अनचार्ज बॉडी से तो यहाँ पे कह ध्यान से देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रॉम द चार्ज बॉडी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं ऐसे नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा कंडक्टर के पास ऐसा नहीं होगा जो ये नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेंगे अभी फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे वन के पास ये इसके पास गया और ये इसके पास गया ये तीनों क्या हो न्यूट्रल हो जाएंगे मतलब यहां पे जीरो हो जाएगा चार्ज तो जीरो होने के बाद क्या होगा सिर्फ यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बचने के बाद क्या होगा कि जो बॉडी है ये मैंने क्या कर दी? चार्ज में कन्वर्ट कर दी सो नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग चार्जिंग बाय इंडक्शन तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्या है ध्यान से देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है ये बॉडी को मैंने क्या करना है कन्वर्ट करना है चार्ज बॉडी में क्योंकि ये बॉडी अभी अनचार्ज बॉडी है इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ चार्जेज यहाँ पे मेरे को ये कन्वर्ट करनी है कौन से चार्ज बॉडी में तो मैं सेम यहाँ पे क्या करूँ चार्जिंग बाई इंडक्शन की तरह क्या करूँगा एक चार्ज बॉडी को लेकर जाऊंगी टुवॉर्ड नियर द अनचार्ज बॉडी बट मैंने कंडक्शन में क्या किया था कंडक्शन मैंने पूरी ये चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कॉन्टैक्ट करवाया था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बट यहाँ पे इंडक्शन में आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करवाओगे सिर्फ चार्ज बॉडी को नियर जाओगे अनचार्ज बॉडी के पास सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि अभी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके गई नियर दिस अनचार्ज बॉडी साथ लेके जाने पास लेके जाने पे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवॉर्ड द पॉजिटिव चार्ज और जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इन द अनचार्ज बॉडी ये रिपेल हो जाएंगे और एक साइड पे ऐसे आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट मेरे को क्या करना अभी तो मेरे पास अब कोई चार्ज आया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिर्फ क्या करेंगे अलाइन किए इन्होंने ठीक है अब मेरे को क्या करना है इसको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कंडक्टर में कन्वर्ट करना है कैसे करूँगी ध्यान से देखो मैंने क्या करना है यहाँ पर अपना हैंड लगा देना बाद में ऐसे आपने अपना हैंड लगा देना है हैंड लगाने का मतलब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना ग्राउंड से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बाई योर हैंड टुवार्ड दिस बॉल जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बाई योर हैंड टुवार्ड दिस बॉल जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ग्राउंड से कुछ नेगेटिव चार्ज आए इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थे सभी चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट बन के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस पूरी बॉल में भी क्या बचा इस पूरी बॉल में भी सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा तो मैंने क्या किया सिर्फ पूरी अनचार्ज बॉडी को इसको नेगेटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस Is known as by तो अभी इस पूरी कंडक्टर में क्या आ गया ठीक है सेम द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट मैंने क्या करना है अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है बट मैंने क्या किया यहाँ पे चार्ज बॉडी जस्ट नियर टू इट लेके गई उसको टच नहीं करवाना कंडक्शन की तरह उसको टच नहीं करवाना तो इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलती हूँ चार्जिंग बाई इंडक्शन

चार्ज बॉडी इज ब्रॉड इन एक्चुअल कंटेक्ट ऑफ द कंडक्टर टू बी चार्ज मैंने करना जो भी बॉडी को चार्ज करना है वो बॉडी को मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाऊंगी विद द चार्ज बॉडी जो मैंने अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है उसको मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाऊंगी विद द चार्ज बॉडी ये मेरे पास क्या होगा चार्जिंग बाई कंडक्शन ठीक है एंड सिमिलरली वी आर हैविंग चार्जिंग बाई इंडक्शन ऑल्सो जो भी बॉडी को मेरे को यहाँ पे चार्ज करना है वहाँ पे मैं अनचार्ज बॉडी को सिर्फ साथ में लेके जाऊंगी उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करवाऊंगी तो ये मेरे पास क्या होगा चार्जिंग बाई इंडक्शन होगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग चार्ज इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द कंडक्टर जो मैंने यहाँ पे चार्ज बॉडी और कंडक्टर लिया है इसमें जो चार्ज होगा वो एक्चुअली ट्रांसफर करेगा तो चार्ज अगर एक्चुअली ट्रांसफर हुआ तो वो चार्जिंग बाय कंडक्शन है और यहाँ पे क्या होगा जो मैंने चार्ज बॉडी इंडक्शन में चार्ज बॉडी ली और अनचार्ज बॉडी ली तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हुआ है मतलब यहाँ पे आया जस्ट तो उसे हम क्या बोलेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग अ चार्ज प्रोड्यूस एंड कंडक्टर इज ऑफ सेम नेचर जो मैंने कंडक्शन की प्रोसेस से चार्ज प्रोड्यूस करवाया था अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज की बॉडी थी ये अनचार्ज बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आया था बट चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा कि अगर मैं बॉडी को चार्ज बॉडी को लेकर जाऊँगी अनचार्ज बॉडी के पास तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑपोजिट साइन वाला चार्ज आएगा ठीक है तो ये मेरे पास कुछ डिफ्रेंस सेम मेन डिफ्रेंस बिटवीन द चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन ओके Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it, and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.